स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 14 में। हमारा आज का प्रश्न है कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। देखते हैं उनकी क्या उपलब्धि थी। बोलते हैं कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासकों में से क्या है, एक थे। उनकी उपलब्धि क्या निम्नलिखित है। पहला उपलब्धि क्या, सैनिक सफलता। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्धों में विजय प्राप्त की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ। उन्होंने बहमनी सल्तनत और गजपति साम्राज्य के खिलाफ कई सफल अभियान का क्या है नेतृत्व किया। आगे बताते हैं दूसरा क्या है, तो सांस्कृतिक प्रगति। कृष्णदेव राय कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में साहित्य कला और वस्तुकला का उल्लेखनीय क्या है विकास हुआ। उन्होंने तेलुगु कन्नड़ तमिल संस्कृत भाषाओं के विद्वानों को क्या है प्रोत्साहित किया, कौन, कृष्णदेव राय। तीसरी जो उनकी जो है उल्लेखनीय काज थी वो क्या है, प्रशासनिक सुधार। उन्होंने शासन व्यवस्था को अधिक से अधिक क्या है सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाया। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई की सुव्यवस्था का विकास किया और व्यापार का बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों का भी क्या किया, विकास किया, कौन भाई, कृष्णदेव राय। अगला क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। कृष्णदेव राय धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का निर्माण और क्या है संरक्षण करवाया, जिसको हम लोग वर्तमान में बोलते हैं भारतीय संविधान के नजर से पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। आगे आइए, कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें आर्थिक सांस्कृतिक सैनिक दृष्टि से साम्राज्य अभूतपूर्व क्या है उन्नति हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।